सागर की सीहोर चौकी पुलिस ने लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट में गए गहने बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी की 6 वारदातें कबूल की हैं। आरोपी लूटपाट के पैसों से ही अपने शौक पूरे किया करते थे। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को फरियादी रोहन साहू निवासी खजुरिया अपनी पत्नी विनीता साहू के साथ ससुराल सागर से लौटकर अपने घर खजुरिया जा रहे थे। तभी धसान नदी के पुल पर 3 बदमाश मिले। उन्होंने बाइक अड़ाकर दंपति को रोका और मारपीट की। आरोपी सोने का मंगलसूत्र, माला और मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। फरियादी रोहन की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ बाबा पुत्र गोविंद सिंह ठाकुर उम्र 35 साल निवासी ग्राम कपुरिया भैंसा पहाड़ी को गिरफ्तार किया और चौकी लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला और साथी का नाम बताया। नाम सामने आते ही पुलिस ने आरोपी विवेक उर्फ विक्की पुत्र प्रकाश श्रीवास्तव उम्र 27 साल रविशंकर वार्ड नट बाबा मंदिर के पास को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट में गए सोने का मंगलसूत्र और माला बरामद की है। सीहोर चौकी प्रभारी रामदीन सिंह ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है। लूट की वारदात के साथ ही अन्य वारदातों में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने एक के बाद एक 6 बाइक चोरी की वारदातें करना कबूल किया। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 2 महीने में अलग अलग स्थानों से 6 बाइकें चुराई हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई बाइकें बरामद कर ली हैं, जिन्हें चौकी परिसर में रखा गया है। आरोपियों के कब्जे से 1.05 लाख रुपए कीमती सामान जब्त किया गया है। लूट में सोने का मंगलसूत्र और एक सोने का माला बरामद हुआ है, कीमती करीब 45,000 रुपए जी। और इनसे गहन पूछताछ करी तो इन्होंने विगत 2 महीने में सागर के अलग अलग स्थानों से जो है 6 मोटरसाइकिलें जो है चोरी की हैं।